हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, फैराडे सेकंड लॉ। व्हेन इक्वल चार्ज इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एंड इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू दियर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को इसे दिखाते हैं, इसे डिनोट करते हैं। चलिए, फैराडे के सेकंड लॉ क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। व्हेन इक्वल चार्ज इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब सीरीज में दो इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड रहता है, और जब टू इक्वल चार्ज, बराबर चार्ज क्या होता है, पास होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स सीरीज से, देन मास ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की मास होती है डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। मतलब कि मास जो होती है किसी सब्सटेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट की होती है। ठीक है, तो ये होता है, ये क्या होता है, मास जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। इसको जेड से भी दिखाते हैं, जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। अगर इसकी फिगर बनाना है तो इस तरह से बनाना है, आपको ऐसे डायग्राम बना के छोड़ देना, बस उसका काम यहीं से ख़त्म हो जाएगा।